हेलो दोस्तों, साल 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 8 नवंबर 2022 को दोपहर 1:32 से लेकर शाम 7:27 तक रहेगा। दोस्तों 1:32 to 7:27 तक ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाते हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है। जब सूतक लग जाता है उसके बाद से ही ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाता है, आप यूं कहिए। तो आपको उस समय से ही अपना ख्याल रखना जरूरी होता है। ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव भारत समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में है। ये ग्रहण भारत में कम दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक प्रभाव कम पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ग्रहण का मोक्ष के समय, चंद्रोदय के समय हिंद महासागर, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पूर्वी रूस में दिखाई देगा। चंद्रोदय के समय भारत के सभी स्थानों में यह ग्रहण दिखाई देगा दोस्तों, पर पूर्वी भारत में इसका ज्यादा असर होगा। खंड और खग्रास ग्रहण का प्रारंभ भारत के किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इस ग्रहण के बारे में कि ग्रहण भारत में कम दिखाई देगा। जब ग्रहण का समय होगा उस समय चांद नहीं उगेगा, पर इसका प्रभाव भारत में रहेगा। तो ग्रहण के जो मान्यताएं होती हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वो करने चाहिए, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आए। दोस्तों आपको इस समय घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इस समय खाने पीने की सलाह नहीं दी जाती है, पर अगर लंबा समय हो तो आप बिना खाए पिए नहीं रह सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो शाम का जो है उसको अवॉइड करें, और दिन में आप जो है अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से आप इसको मान सकती हैं या नहीं मान सकती हैं, पर इसका धार्मिक प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक शुरू होते ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। उस समय से ही वातावरण दूषित हो जाता है, जो कि हानिकारक होता है। तो मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।